आइए हजरत अभी शायरे को यहाँ से शुरू किया जाए कि खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। अब आप हजरत से मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, गुजारिश करूंगा आप हजरत से कि अब जब मुशायरे में है तो आप मेरी तरफ जुड़े, यहाँ पे माइक पे जो भी हजरत है उनसे जुड़े। मैं थोड़ी सी बात बता दूं सिर्फ इस चीज के लिए कि आप इस मुशायरे में बैठे हैं तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बैठे हैं, और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सबसे अच्छी चीज ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है, फजल रहमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ ले आए, स्टेज पे तशरीफ ले आए जनाब फजल रहमान साहब, कि अगर आपको किसी भी शायर की कोई बात, कोई लफ्ज, कोई जुमला अगर दिल में छुप जाता है, दिल तक पहुंचता है आपके, आपके मन की बात हो जाती है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी वाह वाह सुभान अल्लाह से उसकी तारीफ और हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह वो शायर के लिए पेट्रोल का काम करेगा, और जहां वो अगर अपनी उसकी रफ्तार कम भी है तो वो आपकी इस दादो तहसीन से उसके रफ्तार में तेजी आएगी, और इंशाल्लाह दिल खोल करके वो अपना शायर कलाम सुना सकेगा। हजरत मैं यूं आगाज करूं कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, और फकत तेरी मदावा और तेरी मदद और इस्तेकामत के सहारे पर, फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के सहारे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हजरत मुशायरे की जहाँ ये तहजीब रही है कि सदर मोहतरम का इंतखाब हो, वहीं हमारे मुशायरे की ये रिवायत रही है कि मुशायरे का आगाज हम नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं। नाते सरवर कौनैन, नाते पाक, आप बखूबी जानते हैं कि उस जाते गिरामी की तमहीद और तारीफ है जिसे पूरी दुनिया के लिए बाईसे रहमत बना करके भेजा गया, फखरे दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मिधत सराई होगी, नाते पाक पढ़ी जाएगी। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बड़े ही माशाल्लाह बुजुर्ग और बाकायदा मुअक्कर शख्सियतें, बातहजीब लोग बैठे हुए हैं। नाते पाक के हवाले से मैं यूँ कहूँ कि बुलबुले सिदरा भी आकर मुस्तफ़ा के शहर में, बुलबुले सिदरा भी आकर मुस्तफ़ा के शहर में सांस लेते हैं संभल कर मुस्तफ़ा के शहर में, बुलबुले सिदरा भी आकर मुस्तफ़ा के शहर में सांस लेते हैं संभल कर मुस्तफ़ा के शहर में, और जब से निस्बत हो गई है मुस्तफ़ा के शहर से जर्रे भी हैं माहो अख्तर मुस्तफ़ा के शहर में, जर्रे भी हैं माहो अख्तर मुस्तफ़ा के शहर में। आइए बात हुई नाते पाक की, नाते पाक के हवाले से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिदहत यूं करें कि सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। आइए हजरात मैं इस तमहीद को बहुत लंबी नहीं करना चाहता, और यूं ही बस इन अशआर के साथ मैं नाते पाक के लिए दावत दूं। एक शेर में पढ़ दूं कि खुदा का जिक्र करूं शहर जिस वो जा महके, खुदा का जिक्र करूं शहर जिस वो जा महके, पढ़ू जो नाते मोहम्मद मेरी जुबा महके, खुदा का जिक्र करूं शहर जिस वो जा महके, पढ़ू जो नाते मोहम्मद मेरी जुबा महके, और मैं घर में जब भी पढ़ू नाते सरवरे कौनैन, मैं घर में जब भी पढ़ू नाते सरवरे कौनैन, तो मेरे साथ पड़ोसी का भी मकाम महके। आइए हजरात इसी खुशबू से मुअत्तर होने के लिए मैं अजीजम वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करूंगा कि मौसूफ नाते पाक से इस महफिल का आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टेज पे बैठे हुए शुरा इकराम और मुअज्जज़ सामईन इकराम, आइए हजरात मैं अपने सीढ़ी सफर का आगाज चार मिसरे से हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। कि कुफर खाई में गिराई से लाम पर आ गया, इसे लाम ऊपर आ गया, कुफर खाई में गिराई से लाम ऊपर आ गया, इसे लाम ऊपर आ
के कुफर खाई में गिरा। कि कुफर खाई में गिराए से लामू पर आ गया। बदेर में जब 300 तेरा कलश आ गया। वाह क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले आप हजरात, अगर मिश्रा आप तक पहुंच रहा है तो आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शायर के हौसला अफजाई फरमाएं। बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। मौलवी खैरुल बशर साहब जी और सदारत फरमा रहे हैं। ज़िया शेख नब्बे साहब, बिलखुसूस तमाम लोगों की दुआ चाहता हूँ, जिक्र करता हूँ, मुतर खास मिला फरमाए। इसे लाम पर आ गया कि अल्लाह अल्लाह हो गए, इसे लाम में दाखिल उमर। सच्चा और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बन गई। हाजिर करता हूँ पुत्र खास कि इस्लाम ऊपर आ गया कि अल्लाह अल्लाह हो गए, इसे लाम में दाखिल उमर। इसे लाम में दाखिल उमर दाखिल उमर। मजे हबे इस्लाम अब पर दे से बाहर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर दे से बाहर आ गया कि अल्लाह अल्लाह। मजे हबे इस्लाम अब पर दे से बाहर। आइए हजरत मुकम्मल नाते पाक उसके बाद से मैं तमाम हाजिर करता हूं। जी अता किया इलाही मदी ना दिखा दीजिए, या इलाही मदी ना दिखा दीजिए, या इलाही मदीना दिखा दीजिए। किया इलाही मदीना दिखा दीजिए, या इलाही मदीना दिखा दीजिए। बाग जन नते कजी ना दिखा दीजिए, बाग जन्नत कजी ना दिखा दीजिए। कि दिल में है बस यही एक तमन्ना, मेरे दिल में है बस यही तमन्ना मेरे। कि दिल में है बस यही एक तमन्ना मेरे, मुझको आका करो जात दिखा दीजिए, मुझको आका करो कि जिन मरीजों को मिलती नहीं है शिफा, कि जिन मरीजों को मिलती नहीं है शिफा। जिन मरीजों को मिलती नहीं है शिफा, क्या बात। कि जिन मरीजों को मिलती नहीं है शिफा,
उनको जमे जमे का पानी पिला दीजिए, उनको जमजम का पानी पिला दीजिए, बहुत अच्छी जमे का पानी पिला दीजिए या इलाही मदीना दिखा दीजिए बाग जन्नत ना दिखा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशायरे का आगाज हो चुका। अजीजम वलीउल्लाह सल्लल्लाहु नाते पाक पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि नूरे ईमा को दिलों से जगमगा कर रख दिया, नूरे ईमा से दिलों को जगमगा कर रख दिया, मुस्तफा ने क्या से क्या हमको बनाकर रख दिया, नूरे ईमा से दिलों को जगमगा कर रख दिया, मुस्तफा ने क्या से क्या हमको बनाकर रख दिया। और लब पे एक उम्मी के गूंजी थी सदाए ला इला, लब पे एक उम्मी के गूंजी थी सदाए ला इला, जिसने एक दिन सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने एक दिन सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। हजरत वही अजीजम वलीउल्लाह सल्लल्लाहु नाते पाक पढ़ रहे थे तो मैं नाते पाक के तवस्सुल से सिर्फ एक बात और बता दूं कि नाते पाक की अजमत, नाते पाक की रिफत और नाते पाक की बुलंदी बहुत ही आसान नहीं है। नाते पाक का लिखना बताया जाता है कि बाल से बारीक तलवार पे चलने के बराबर है कि जरा सा भी आदमी फिसला तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो भी उसके लिए खतरा है और अगर नीचे आता है तो भी खतरा है। नाते पाक वो नाजुक सिर्फ है कि जितना अगर आप संभल करके नहीं चलते तो बिला शुबा हमें ईमान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि रसूले पाक की जैसी, रसूले पाक की जैसी किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, हम नबी से जान से बढ़कर नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। आइए हजरत मैं चलता थोड़ी देर में चाहता था अपने बुजुर्गों अपने मोहतरम को देख करके मैं एक बात बता दूं, बिला शुबा बिला मुबालगा मैं ये कह रहा हूं कि मैं जब सिकरिया कला के मुशायरे में आता हूं और अपने बुजुर्गों को देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि पूरी रात नाते पाक और मिन्नते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिलसिला अगर चलता रहता तो कितना खूबसूरत होता। ये समाते हैं, मैं इनकी खूबसूरत समातों को सलाम करता हूँ जो बड़ी खूबसूरती से कलाम को समात फरमाते हैं, उसे समझते भी हैं और हौसला अफजाई भी फरमाते हैं, दादो तहसीन से नमाज़ते भी हैं। मैं सलाम करता हूँ सिकरिया के जियाले मुसलमानों को और जियाले मुशायरे के सुनने वालों को, लेकिन हमारी मजबूरी है कि चूंकि मुशायरा गजल का है इसलिए मैं यहीं से अपना पैर बदलूंगा और यूं बदलूंगा